गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोला प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके, तो हम कल की क्लास में हम देख रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मुझे बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? बोलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? नहीं याद है, भूल गए। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। यही पढ़ा हमने, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो अपने उसका पोजिशन चेंज नहीं होगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, देन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? क्या समझते हैं इससे आपको? आप लोगों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना, आप लोगों को कुछ भी याद रहता ही नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही पढ़ा हमने। Say yes or no. Give any response. Yes, ma'am. Mathematical representation kya hai second law of motion ka? Very good. आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। मैम, m इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इक्वल 1 केजी। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन? F is equal to ma, है ना, दिख रहा है ना? F is equal to ma, देखने के बाद भी आपको बोलते रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, देयर F is equal to क्या है? F क्या है, किसको डिनोट करता है, किसको बताता है, F का मतलब क्या है? मैम,
मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। F is equal to ma दिख रहा है ना, जहाँ पे F का मतलब होता है फोर्स, m का मतलब होता है मास, a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, कल ही तो बताया है। F is equal to ma दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताइए यहाँ पर देखिए फोर्स का SI यूनिट क्या है, फोर्स का SI यूनिट बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद भी बोल नहीं पा रहे हो, क्या पढ़ाई करते हो आप लोग? मैम न्यूटन। न्यूटन दिख रहा है, उसके बाद भी इतना टाइम क्यों लगता है आप लोगों को? जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जांपल वन दिख रहा है। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 m/s टू 3.5 m/s इन अ टाइम पीरियड ऑफ 25 seconds। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्स अप्लाइड। आपको क्या निकालना है इसमें, देखिए इसमें आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 3 kg, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है, मतलब स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी, और फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है, ठीक है। टाइम भी दे दिया गया है आपको 25 सेकेंड। अब आपको निकालना है फोर्स कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट जिसका वेट 3 kg है उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 m/s है, बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 3.5 m/s, और ये उसको फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें 25 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक। तो आपको निकालना क्या है फोर्स कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे दिया गया है मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, ठीक है। आपको निकालना है एफ मतलब फोर्स, फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एम ए, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है ना? ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हैं, है ना। चेंज इन वेलोसिटी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल टी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है 2 m/s से 3.5 m/s हो रही है, और टाइम भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है ना एम बी, होता है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी। देखिए P2 जो है वो फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, और P1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, इसीलिए P2 के लिए हमने लिखा है mv और P1 के लिए हमने लिखा है mu, ठीक है, अपॉन टाइम t, ठीक है। अब यहाँ पर m को हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर m कॉमन निकला हुआ है, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, नोट भी कर लिया करो, सुनने से याद नहीं होता है, नोट करने से आपको याद होगा।
अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर, हमने निकाला एफ इज इक्वल टू एम बी माइनस यू, तो एम तो आपको दिया हुआ है 3 kg, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी 3.5 और इनिशियल वेलोसिटी 2 अपॉन टाइम इंटरवल 25 सेकेंड, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो 3.5 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 3 × 15 / 250 हो गया। ऐसा पॉइंट को हटा दिया ना, तो नीचे 0 लगा दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45/250, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.18 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कैसा यूनिट न्यूटन होता है, तो यूनिट हम क्या लगाएंगे, न्यूटन का, ठीक है। तो फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, 0.18 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना सभी को? यस मैम। ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ऑन अप्लाइंग सम फोर्स ऑन ए ट्रॉली ऑफ 5 kg, 5 kg का ट्रॉली है जिस पर कुछ फोर्स लगाया जा रहा है जिसका एक्सिलरेशन है 10 m/s², ठीक है। आपको क्या निकालना है, उस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो निकालना है। तो आपको क्या दे दिया गया है, आपको मास दिया हुआ है, एक्सिलरेशन दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर मास और एक्सिलरेशन दोनों दिया है तो आप लगाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, जहां पर एफ का एम का वैल्यू रख देना है और ए का वैल्यू रख देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा, क्लियर है ये भी? यस मैम। ओके, एग्जांपल देखते हैं। द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए 30 g बॉल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए टेबल। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम है, ठीक है। इसमें एक बॉल जो है 30 g का बॉल, वेट कितना है बॉल का 30 g, मास उसका 30 g है, जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन से एक टेबल पर, ठीक है। हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स नीड टू बी अप्लाइड टू ब्रिंग द बॉल टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब आपको बताना है कि वो जो बॉल है जो मूव कर रहा है, अगर हम उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे तभी वो रुकेगा ना। यस मैम। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना किया जा रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले दे दी गई है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफ में, यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ लिखा हुआ है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, 15 cm/s, ठीक। इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड, तो क्या करेंगे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0.15 हो जाएगा, होगा ना? यस मैम, हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि वो वहां पर आके, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, है ना, वहां पर आके रुक जाएगी। टाइम है 5 सेकेंड, दिया हुआ है टाइम 5 सेकेंड, यहाँ पर देखो टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक। और मास दिया हुआ है 30 g, जिसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो किलोग्राम में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, ये 0.03 हो जाएगा। Yes, तो आप लोगों को आता ही होगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, ये सब तो आता ही होगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। Yes, एक अब आपको निकालना है फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या ले लिया गया, बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.03 और बी माइनस यू है ना, तो यहाँ पर देखिए आपने निकाला है ना, देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाला है ना 0.15 का,
यस मैम। तो आप इसको बोल रहे वी माइनस यू बोला, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, वी तो आपका जीरो है ना, जीरो आया है ना, जीरो है ना। तो अगर वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.15 होगा, होगा ना। क्या टाइम हो जाएगी, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड मैम, 5 सेकंड। ठीक है, तो देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 इंटू माइनस 0.15 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -9, पहले आप इसको कैंसल आउट करेंगे, ठीक है, कैंसल करेंगे 5 और 15 को कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद इसको जो आंसर आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -9 × 10⁻⁴। सॉल्व करके देखिएगा आएगा यहाँ पर, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर तो आंसर आया है -0.0। यस मैम। हाँ, यहाँ पर देखो आंसर क्या आया है, -0.009 न्यूटन, ठीक है, तो हम इसको 10⁻⁴ लिख सकते हैं, मैथ्स में आप ऐसे करते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -9 × 10⁴ न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। नेगेटिव साइन शोज दैट द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड इज एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है, ये क्या लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। माइनस साइन जो है वो किसको शो कर रहा है, कि इनिशियल वेलोसिटी जो लग रहा है ना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पर, जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो किसके अपोजिट है, उस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, ठीक है। ओके मैम। माइनस का यूज करते हैं ना। अब हम देखते हैं एग्जांपल 4 को आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। चलिए बताइए, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 केजी, इसका मतलब क्या है। एक ऑब्जेक्ट है 5 केजी का, ठीक है, जिसमें 5 सेकंड के टाइम से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। हाउ मच एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस फोर्स, आपको इस फोर्स लगाने में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आपको फोर्स दे दिया गया है, मास दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन ए, ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का उसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है।
चलिए देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वी नो दैट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास आपको पता है 5 kg, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो भी पता है आपको 10 N, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है ना, और उसके साथ साथ में आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स वी माइनस क्यू। क्लियर है आपको क्या निकालना पता चल गया? यस मैम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सीलरेशन, है ना, तो एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगाएंगे और एफ की वैल्यू दे दी गई है, एम की वैल्यू दे दी गई है, आपको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 5 है वो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 m/s होगा, होगा ना? यस मैम, हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी होता है ना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यही है, आपको निकालना क्या, एक्सीलरेशन आपका निकल गया है कितना आया है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ठीक है, तो बी माइनस यू अपॉन टी का फॉर्मूला हम लगाएंगे और वैल्यू रखेंगे, तो बी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि टाइम सिर्फ आपको टाइम पता है तो आपने टाइम की वैल्यू रख दी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस यू इज इक्वल टू 2 × 5, क्योंकि b माइनस यू, सॉरी a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू हमने निकाल लिया है ना, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू क्या आई है, 2 m/s 2 m/s², ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ए की जगह पर वैल्यू रख दिया, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में लिखा हुआ है ना, ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, तो ए की जगह पर हमने 2 को रख दिया, बी माइनस यू अपॉन टी की जगह पर 2 रखा, ठीक है, तो ये 5 और इस 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, होगा यस यू इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस यू इज इक्वल टू 10 m/s, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 m/s। तो यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया और चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल लिया, क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, आप लोगों का वर्क ये है कि आप लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रीड करके रखेंगे, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आगे और दिया हुआ है, इसको रीड करके रखेंगे, कल की क्लास में मैं पहले पूछूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम।